विवेक जी, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे इंजीनियर साहब हैं, आरसी विवेक साहब, सब महिलाओं को कोसते हैं। क्यों कि महिला को इसलिए कोसते हैं, और मैंने भी देखा है कि महिला आजकल आडंबर में ज़्यादा फंसी हुई हैं। वो आडंबर से हट जाएंगी तो उनका विकास हो जाएगा। वो आडंबर किस तरीके के हैं? ये आडंबर, ये श्रवण समाज के द्वारा फैलाए गए आडंबर हैं। वह क्योंकि एक महिला उठेगी तो वह अपने पूरे परिवार का और पूरे समाज के विकास में सहयोग करेगी, और आडंबर में उलझाए महिलाएं ही आडंबर को आगे तक पहुंचा सकती हैं। महिलाएं वाहक होती हैं हर एक चीज़ की, चाहे वो शिक्षा का वाहक हो, चाहे वो आडंबर की वाहक हो, चाहे किसी की भी। तो श्रवण समाज ने कुकुर मुत्तों की तरह गली के हर कोनों पर ये मंदिर और ये पूजा स्थल खोल दिए हैं, जिससे महिलाएं उसमें उलझी रहे हैं और अपने परिवार के जो आर्थिक वो होता है उनसे उसको भी सहयोग करती हैं। पंडित बैठ के अपने बैठ के खाता है और ये उनके सोर्स ऑफ इनकम के साधन बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई महिलाएं समझें और ये अंधविश्वास को दूर करें। जब तक ये आडंबर में फंसी रहेंगी, अपना ना तो अपना विकास कर सकती हैं, ना समाज का, ना अपने परिवार का। जी नहीं, ये अंधविश्वास फैलाया हुआ है लोगों का, और भ्रम फैला के नहीं है, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं, और इस भ्रम को ही हमें दूर करना है अपने शिक्षा के द्वारा, अपने एजुकेशन के द्वारा, और अपने जो आदर्श पुरुष हैं हमें उनकी जीवनी बता के भाई आपको संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान में आपके अधिकार हैं, आप उन अधिकारों को पाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारी जो सरकार आई है, जो बीजेपी की सरकार है, वह हमारे संविधानों को नष्ट कर रही है, सब महिलाओं के अधिकारों को, शिक्षा को नष्ट कर रही है। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे आप तन मन धन को जागरूक कर सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि ये अंधविश्वास हमारे सबसे अवनति का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाओं से यही है कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, और सरकार नौकरी नहीं देती है तो उन्हें उद्योग धंधों से जोड़ो। कम से कम उद्योग धंधों के द्वारा आप ना तो किसी के गुलाम रहेंगे, ना आप किसी की सेवा करेंगे, आपका अपना काम होगा, आपकी अपनी एनर्जी होगी, आप अपने जब मर्जी जा सकते हैं, और आपके अपने लाभ होगा, उस लाभ को आप अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो नौकरियों में आप जी हजूरी के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और उद्योग धंधों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें एजुकेशन के द्वारा ही मिल सकता है।